हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुधा मेहता और आज ही क्रिसमस, तो आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। और आज की वीडियो हो सके कल मिलेगी, लेकिन मैं आज है तो मुझे तो बोलना ही है आप लोगों को मेरी क्रिसमस। और मैं अभी दो तीन बज रहे होंगे, मैं अभी ना आई हूँ। और मेरा बड़ा मन कर रहा है जाने का घूमने के लिए चर्च, लेकिन कोई है नहीं जो मुझे लेके जाएगा, और इसलिए मैं रेडी होके बैठ भी गई हूँ। लेकिन जाने का तो मन है, लेकिन देखिए क्या होता है शाम तक, कोई मुझे मेरे पे दया आ जाए और कोई मुझे चर्च लेके चला जाए। ऐसे तो मैं स्टेटस लगा दी हूँ व्हाट्सअप पे कि मैं रेडी हूँ, कोई मुझे चर्च लेके जाओ, तो मेरे फ्रेंड लोग जो जाने वाले होंगे मुझे शायद लेके चले जाएँ। तो इसलिए मैं रेडी होकर बैठ गई हूँ और कोई काम है नहीं। और बेड सारा टेनी मेरा बेड बर्बाद कर दी है, खेल रही थी अभी, तो इसके कारण मेरा पूरा घर गंदा रहता है। और ये आज बहुत ही बदमाशी कर रही है टेनी। और मैं ली हुई हूँ नेल पेंट, तो मैं ये जो कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा कलर आता है, एक्चुअली ये ग्लिटर है। तो आप किसी भी रेड या ब्लैक या किसी भी कलर के साथ अगर आप ऊपर से इस ये वाली कलर लगाते हैं ना, तो कलर का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। मैं रेड लगाऊंगी, पैर में लगाऊंगी कलर, हाथ में, क्योंकि हाथ के नेल्स मुझे छोटे रखने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे मेकअप वगैरह करना होता है तो कहीं फेस पे लग ना जाए, इसलिए नेल नहीं बढ़ा सकती हूँ। और पैर के नेल भी मैं छोटा ही रखती हूँ, बड़ा नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक बार मेरी नेल निकल गई थी, तो उस कारण से डर के मारे मैं नेल बड़ा करती नहीं हूँ। अगर गलती से निकल जाए तो मेरा तो सत्यानाश हो गया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए छोटे ही नेल है। लेकिन छोटे नेल पे मैं रेड लगा लेती हूँ, रेड किसी भी ड्रेस पे चल जाता है, रेड लगाती हूँ, ब्लैक या फिर एक एकदम लाइट कलर की नेल पेंट है, मेरे पास वो बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मेरे पास नेल पेंट की बहुत सारी कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए मैं एक पूरा डब्बा ही रखी हुई है, नेल पेंट का डब्बा है, और ये मैं मंगवाई थी अमेजोन से मंगवाई थी, तो इसमें पूरा नेल भरा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ऐसे ही ये नहीं कि मैं नेल कहीं पूरा बॉक्स रखती हूँ तो मैं हमेशा नेल पेंट लगाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है नेल पेंट लगाने का। टाइम तो छोड़िए, मेरे पास नेल ही नहीं है कि मैं नेल पेंट लगाऊँ, अच्छा भी नहीं लगता, छोटे छोटे नेल पे लंबे नेल रहते हैं। तो कभी कभी अगर मैं नेल को बढ़ा लेती हूँ तो मैं कभी कभी डिज़ाइन वगैरह बनाती रहती हूँ, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं डिज़ाइन बनाने के लिए लाई थी, ये नेल पेंट का ब्रश है, नेल आर्ट का ब्रश है ये, और ये सारी चीज़ भी नेल आर्ट के काम में ही आते हैं। और इसे आप पैरों में अगर नेल पेंट लगा रहे तो इसे फंसा के लगाएं, या फिर पेडिक्योर भी अगर करना होगा तो इस तरह से मंगवा के अलग अलग उंगली आ जाती है इसमें। ये सब भी बच्चों के लिए है, और मैं कॉटन रखी हूँ, और नेल पेंट है हमारा इतना सारा, एक मिनट में दिखाती हूँ करीब से। ये सब अभी तो ये सब पुराने हो चुके हैं नेल पेंट, और कुछ नेल पेंट सूख भी गए होंगे, तो इसमें से मुझे निकाल के फेंकना भी पड़ेगा। और कुछ नेल पेंट हैं, और मैं अभी नेल पेंट ज़्यादा नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले नेल आर्ट किया करती थी इवेंट वगैरह में, लेकिन अभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है पार्लर से, तो मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। और अगर इसलिए मैं रखी हूँ, ऐसा नहीं मैं इसे फेंक दूँ, लेकिन खुद के यूज़ के लिए भी रखती हूँ। अगर बच्चे लोग घर में आते हैं, ननद लोग की बेटी लोग आती है, बच्ची लोग आती है, तो वो लोग इसे यूज़ करती है, खेलती है, ये लोग उन लोगों को बड़ा मज़ा आता है बॉक्स देख के, तो इसलिए मैं रखी हूँ इसको। और इसमें और भी सारे सामान थे मेरे, लेकिन इधर उधर मैं रख दी हूँ निकाल के, सीजर वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ थे, लेकिन अभी वर्क मेरा हो नहीं रहा है नेल आर्ट का, तो इस कारण से मैं सारा सामान इधर उधर करके रख दी हूँ, कुछ खास नहीं है इसमें। और तो मैं चली नेल पेंट लगाने जा रही हूँ, रेड नेल पेंट लगाऊंगी, उसके बाद अगर ये नेल पेंट सूख जाएगी उसके बाद में वो ग्लिटर वाली नेल पेंट लगाऊंगी, तो बहुत ही खूबसूरत कलर आती है इसकी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर दिखाती हूँ। देखिए मैं नेल पेंट लगाई हूँ, देखिए मेरे पैर छोटू छोटू नेल्स हैं मेरे बट ये नेल पेंट बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये नेल पेंट बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, ऊपर से ग्लिटर लगाने वाला। आप लोग भी अगर दो कलर यूज़ करके देखेंगे कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, लगा के देखिएगा इस तरह का ग्लिटर लग के। और जो भी नेल पेंट यूज़ करिए उसके ऊपर से आप लगाएगा, लेकिन सूखने के बाद लगाएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। तो नेल पेंट को मैं थोड़ी देर सूखने देती हूँ, और ये अच्छे से लगे नहीं है, थोड़े से अच्छे से और लग सकते थे। एक्चुअली वो रेड वाला नेल पेंट मेरा थोड़ा सूख गया था नहीं, तो मैं उसमें से जो भी बचा हुआ था निकाल निकाल के लगा रही थी, तो ये सूख जाएंगे उसके बाद।
चप्पल डालूँगी पैन में, क्योंकि फिर ये गीले रहते हैं ना, डबल थ्री कोट लग गया है इसमें, तो ये गीले ही रहेंगे। इसे कपड़े पहनाने हैं कि पैर से दिल्ली तक जाना है? ये कपड़े मैंने बहुत तगड़ा कर दिए यार, इन्हें भी पहना दूँ। देखो सभी लोग देख रहे हैं, कपड़े नहीं पहन रही हो, बदमाशी कर रही हो। उठो जल्दी जल्दी उठो जल्दी उठो, इसे बांध देती हूँ मैं। उठो जल्दी, एक हड्डी यहाँ पे रखी हुई है। एक्चुअली ये हड्डी प्लास्टिक के होते हैं, वो नॉन वेज वाले नहीं है। ये मैडम बैठ के हड्डियाँ चिबा रही है अपनी। मैडम जी मुझे भी दोगे हड्डियाँ खाने के लिए? ये एक देने की हड्डियाँ हैं। ये खाका के इतनी छोटी हड्डी खरीदी है, पत्ती जैसी हो गई है, और ये पूरी हड्डियाँ खाएगी। ये मेरे हाथ से ही लेके खा रही है। बदमाश बदमाश है ये बदमाश है। और मैं टेनी का नाम चेंज कर दी हूँ, पता है मैं टेनी का नाम आजकल क्या बोलती हूँ? सोनू। सोनू नाम है, सोनू छोनू छोनू, मैं इसे आजकल छोनू बोलती हूँ। और ये मेरे हाथ को पकड़ लिए, देखिए कि मैं इसकी हड्डियाँ को ले रही हूँ, उसे खा रही नहीं दे रही, तो हाथ पकड़ लेके मत लो। और ये मुँह मिली हुई है, ये किसकी हड्डी है? सोनू छोनू छोनू छोनू, ये किसकी हड्डी? देखो तो मैं खा रही हूँ, देखो आ आ देखो मैं खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ ये वाली खा रही हूँ। ये मेरी मुझे कौन ही नहीं देती है। और मुझे ऐसे कभी कभी डर भी लगता है यार, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े जानवर हैं, जानवर तो जानवर ही होते, कब उसके मन में क्या है। और मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है यार, मुझे छोनू से नहीं डर लगता है, क्योंकि मैं छोटा जब ये छोटी सी तभी से मैं इसे गोद में खिलाती हूँ। पिछले साल ना मैं इसकी छोटी छोटी स्वेटर, बहुत छोटी सी थी ये, क्यूट सी, एक या दो मंथ की थी, तो मैं इसके लिए स्वेटर बनाई थी और इसे स्वेटर पहना के रखती थी। और एक बहुत पुरानी इसकी पिक है, इसमें बहुत ही क्यूट लगती है। और मैं जब खाना बनाने जाती थी तो इसको गोद में ही लेके जाती थी, गोद में लेके चाय वाय बनाती थी और पीती थी, मेरी गोद में रहती थी, क्योंकि बेड पे चढ़ भी नहीं पाती थी और ना उतर पाती थी। सर मैं खा रही हूँ, खोलो खोलो खोलो। अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे पता चल गया कि मैं नहीं खा रही हूँ, मैं ऐसे मस्ती कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका येलो ड्रेस अच्छा लग रहा है, पिछले बार वाला पिंक वाला ड्रेस था ना, वो शायद छोटा हो गया था। अब मुझे लगी हुई है सर्दी, और सर्दी छूटने की नाम ही नहीं ले रही यार, तो मैं सर्दों की ना आई थी आज। आज ये मैं वाल पेपर लगाई थी, ऑनलाइन ही मंगा लगाई, लेकिन छोटा पड़ गया, थोड़ा सा और रहता ना तो यहाँ तक आता अगर, तो एक वाल जैसा हो जाता, लेकिन छोटा पड़ गया तो फिर मैं मंगवा ही नहीं दूसरा। मैं सोची थी कि मंगवा दूँगी एक और, तो अभी सर्दियों का मौसम है, तो अभी एकदम बेड में ही मन करता है, बेड में ही रहूँ, कहीं नहीं जाओ, अभी बेड पे ही रहती हूँ। और थोड़ी देर बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद खाना बनाने जाऊँगी। क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खास बनाने का कुछ तो खास मन है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा खास मैं बनाऊँ क्या। तो मैं रोटी सब्जी बना दूँगी। एक्चुअली मेरे फ्रिज में इतना सारा गोभी रखा हुआ है, गाँव से गोभी आ गया, गोभी बहुत रखा हुआ है। कल भी मैं गोभी का ही भुजिया बनाई थी, लेकिन गोभी अभी क्या होता है ना कि उसमें टेस्ट ही नहीं रहता है, तो इसलिए खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं बनाऊंगी,
और एक कुछ सब्जियाँ होगी फ्रिज में, देखती हूँ क्या है, तो रोटी बना दूँ या फिर पराठा बना, पराठा खाने का मन नहीं है, पराठा और तेल वाला चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ स्पेशल तो मन था बनाने का, बट स्पेशल क्या बनाऊँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और मैं आज की चाय 2 कप पी चुकी हूँ, तो मैं नहीं पीऊँगी, रात में थोड़ा मन करता है तो मन को मार लेती हूँ, नहीं पी रही हूँ। और हस्बैंड जी मेरे आए नहीं, पति परमेश्वर मेरे आए नहीं अभी तक, ऑफिस में है वो। मैं रेडी हो गई थी आज सुबह से ही, रेडी होके बैठी हूँ, काश कोई मेरी फ्रेंड या कोई भी आए मुझे चर्च लेके जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई नहीं आया और मुझे कोई नहीं कहीं नहीं ले गया, तो मैं वैसे ही रेडी की रेडी रहूँगी, जब तक सोने नहीं जाऊँगी तब तक मैं रेडी ही रहूँगी आज। अगर देखती हूँ पतिदीप जी आएंगे तो शायद लेके जाए। एक्चुअली मैं चर्च जाती हूँ और कैंडल जलाती हूँ चर्च जाके, क्योंकि मैं हर एक साल चर्च जाती हूँ, हर एक साल लेट ही हो जाता है चर्च जाने में और चर्च बंद हो जाता है, इस कारण से मुझे ना बाहर ही कैंडल जलाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड हैं काम करने वाले आदमी, घर पे नहीं रहते वो, तो लेट से ही आते हैं, हर एक साल लेट से ही आते हैं और लेट से ही लेके जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चर्च के बाहर ही कैंडल जलाना पड़ेगा इस बार भी, इस बार बड़ा मन था कि सुबह नहीं जाऊँगा कैंडल जलाऊँ चर्च में जाके। यहाँ पर पटना में बहुत सारे चर्च है, तो एक चर्च है जो बंद हो जाती है और सामने बंद हो जाती है, बहुत बड़ी चर्च है, नाम मुझे नहीं पता है, और एक चर्च जो रात में खुली रहती है, रात में 10-11 बजे खुली रहेगी, नहीं तो मैं वहाँ चली जाऊँगी चर्च में, तो कहीं भी कैंडल फोन में पता नहीं क्या हो रहा है बार बार, और इसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है और ये बंद हो जाता है, कुछ मैसेज आता है वो दिखाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये चीज़ और इसके कारण। और मैं पिछले बार मैंने जो वीडियो बना रही थी तो मेरी फोन पानी में गिर गई, गर्म पानी में गिर गई, जिससे मैं हाथ बात करने वाली थी, हाथ मतलब लगने वाली थी उसमें, उसमें मेरी फोन गिर गई, उसके बाद मेरी फोन थोड़ी सी इसमें धुंधली धुंधली जैसी आने लगी है और मेरी फोन हो गई है ख़राब, थोड़ा सा साउंड का भी प्रॉब्लम हो गया, तो पता नहीं नया फोन कब मिलेगा। नया फोन एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, ये फोन वो खुद के लिए मंगवाए थे, लेकिन मैं अकेले वो एक और फोन मंगवाए थे 2-3 महीने पहले, और लेकिन वो बोले कि ले लो, लेकिन जब भी वो न्यू फोन मंगवाते तो मैं उनसे चेंज कर लेती हूँ, पुराना वाला फोन नहीं देती हूँ, न्यू वाला ले लेती हूँ, लेकिन नहीं अच्छा नहीं लगता मेरे लेना, वो भी सोचते हो गया कैसे लगे शादी होगी नया फोन लेने देती है, इसलिए सबके बारे में सोचना पड़ता है यार। तो मैं अभी उनसे नहीं लूँगी फोन इस बार, देखती हूँ फोन मेरी हाथ में नहीं रह पाती, बहुत जल्दी फोन खराब हो जाती है, मैं फोन वो चेंज कर लेती हूँ इस बार, मैं देखती मुझे कम मोबाइल मिलता है, ये वाला फोन आया हुए करीबन 7-8 महीने हो गया, लेकिन एक साल तक की मेरी फोन टिक पाती है टिकती नहीं, क्योंकि मैं बहुत फोन से मुझे बहुत काम रहता है, फोन से मेरा सारा काम होता है, तो इसलिए फोन मेरी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो देखती हूँ मुझे मोबाइल मिलता है कि नहीं। आज मेरी और मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है 16 जनवरी को, तो मैं देखती हूँ कि इस बार मुझे एनिवर्सरी में क्या मिलता है। मुझे एनिवर्सरी में आज तक मुझे नहीं लगा कि कभी मुझे कुछ मिला होगा, और ना मेरी बर्थडे में मुझे कुछ मिलती है, एनिवर्सरी और बर्थडे में कुछ भी नहीं मिलता है, तो हर एक साल की भांति इस साल भी आए हो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं ख्याली प्लाव नहीं बना सकती हूँ कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हो सके वो मेरी वीडियो को देख के उन्हें मुझ पर तरस आ जाए और मुझे इस बार कुछ गिफ्ट कर दे तो ऐसे लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक कारण सा हो सके मुझे कुछ मिल जाए, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए, तो लालच नहीं कर रही हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे मुंह में मेरे पेट में कोई भी बात पचता नहीं है, जो भी पेट में रहता है मुंह के रास्ते निकल जाता है, तो निकल गया है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे अंदर लालच आ रहा है कि ये वीडियो बना रही है, वीडियो में कुछ बोल रही है तो इसे मतलब कुछ मिल ही जाएगा, तो हाँ मेरे अंदर लालच आ रहा है और मैं जानबूझ के ये बात बोल रही हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा इस बार, लेकिन नहीं, लेकिन सॉरी मैं ऐसे ही बोल रही थी, ऐसे ही बोल रही हूँ सॉरी, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा यार, हस्बैंड अपने ही होते हैं, नहीं भी देंगे तो पति पति होता है, वो तो चेंज नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ जरूर देती हूँ, अगर कुछ नहीं भी देती हूँ तो मैं उन्हें कम से कम ड्रेस ज़रूर गिफ्ट करती हूँ, और बर्थडे में भी मैं उन्हें ड्रेस ही, उनकी बर्थडे में भी मैं एक ड्रेस उन्हें गिफ्ट की थी इस बार, और एक गोल्ड की रिंग दी थी जो कि मैं हर एक साल देती हूँ, और इस बार एनिवर्सरी में देखती हूँ मैं उन्हें क्या गिफ्ट देती हूँ, कुछ खास ही अच्छा ही दूँगी, और लड़के लोगों के लिए तो कुछ गिफ्ट समझ में ही नहीं आता, इसलिए मैं कभी उन्हें ड्रेस ही, अधिकतर मैं उन्हें ड्रेस ही दिला देती हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को कैसी लग रही होगी आज, मुझे तो थोड़ी सी चेंज लग रही है क्योंकि सर्दी लगी हुई है और नाक बंद है, नाक
पूरा बंद रहता है, पूरे सर्दी पूरे जितने भी ठंड के मौसम रहते हैं, 4 महीना मेरा, 4 महीना नहीं 3 महीना नाक बंद ही रहता है, सर्द ही रहता है और सर में हमेशा दर्द रहता है। तो अभी भी सर मतलब पूरे दिन मुझे हल्के हल्के सर में दर्द रहता ही है, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है सर दर्द की। कभी कभी ये बढ़ जाती है, जैसे कि कल बढ़ गई थी, कल परसों बढ़ गई थी, तो मैं दवा खाई उसके बाद आधा एक घंटा रेस्ट की तो थोड़ी सी दर्द सही हुई। तो मेरी सर दर्द की बीमारी है जो लगी रहती है, तो इसलिए मुझे आदत हो गई है अब सर दर्द की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, में बहुत सारी बात कर ली मैं अभी आपसे, और आप लोग बोर हो रहे हो कि मेरी एक दो फ्रेंड बोली कि कभी कभी तुम बोर कर देती हो, तो मुझे ये सोच के मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती होगी, लगता है मुझे कि कहीं ना मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ। जो लोग मुझे चाहते होंगे, जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती होगी वो लोग, और अगर सच में मैं बोर करती हूँ तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके बताया करो कि मैं बोर कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता आप लोगों को बोर करना। तो मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि तुम कभी कभी बोर कर देती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के, मुझे लगता है यार मैं क्यों आप लोगों को बोर कर देती हूँ, बोर नहीं करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से आप लोगों को बोर कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी, देखती हूँ खाना वाना क्या बनाना है, उठती हूँ क्योंकि ठंड के मौसम जितना सोई रहूँगी उतना और मन करेगा कि सोई रहूँ, उठने का तो मन नहीं करता, लगता है सब कुछ कोई करके दे दे और बैठ के खाते रहो पीते रहो, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, तो चलने वाला है नहीं। तो मैं जा रही हूँ काम करने। और पतिदेव जी मेरे पति परमेश्वर कब आते हैं और कब मुझे लेके जाते हैं? ठंड बहुत बढ़ गई है और मुझे अगर जाना होगा तो बाइक से जाना होगा, कार है नहीं घर में क्योंकि वो कार गई हुई सर्विस सेंटर, और आने वाली 2-3 दिन के बाद मुझे ठंड में, इतनी ठंड में मुझे बाइक से जानी पड़ेगी और मेरी तबीयत भी खराब है, तो देखती हूँ अगर मन नहीं करते नहीं जाऊँगी, देखती हूँ जाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। सो गाइस प्लीज़ मैं अब नहीं बोर करना चाहती हूँ आप लोगों को, चलिए मैं फिर थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आप लोगों से। चीनी आई है वॉक करने नीचे, बच्चे लोग सब लोग मस्ती कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे। काफ़ी अंधेरा है, ठीक से दिख नहीं पा रहा है। सेंटा आ रहे हैं हमारे, इधर आओ गोलू, गोलू गोलू सब लोग तेजी से डर के भाग रहे हैं। तो आप लोग देख रहे थे बच्चे लोग कितने सारे नीचे में थे, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, अपार्टमेंट के नीचे ही पार्किंग में ही थे बच्चे लोग, सब लोग बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और मुझे बुलाएंगी आई है अभी, तो मैं गई थी, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, सब लोग नाश्ता वास्ता का भी और बहुत मस्ती कर रहे थे बच्चे लोग, केक काटे और गिफ्ट वगैरह दिए, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा जाऊँगी रोड पे, हस्बैंड आ गए तो बोल रहे चलो घूम के आते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी घूम के आते, देखते कहीं चर्च खुला हुआ होगा तो कैंडल वैंडल जलाएंगे हम लोग, और
अगर नहीं खुला हुआ होगा तो फिर घूम फिर के चले आएंगे। नौ बज चुके हैं और 9 बजे ये लोग जा रहे घूमने के लिए। पता नहीं कैसा घूमना होगा 9 बजे। सारा चर्च वगैरह भी बंद हो गया होगा, देखती हूँ जाके कहीं कुछ नहीं मिल रहा होगा। डॉक्टर जा रही हो तो बोलिए घूमने जा। 9 बजे कौन सा डॉक्टर बैठता है। चलिए निकलिए, मैं निकलती हूँ। टेनी भी है। और हम लोग आए हैं चर्च, और चर्च में कैंडल वैंडल सारा कुछ जल गया है। और एक चर्च था जो खुला हुआ मिला, 2-3 चर्च गए तो वहाँ पे सारे चर्च बंद हो गए थे क्योंकि 9:30 बज रहे। तो एक यही चर्च है जहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ और रात हो जाता है फिर भी ये चर्च खुला हुआ रहता है। तो सामने में सब लोग कैंडल जला रहे हैं और अंदर में हम लोग अंदर में कैंडल जलाए हैं अभी, और हो गया कैंडल वैंडल जला लें। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ चटपटा चाट वाट खाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर घर जाएंगे। तो हम लोग कैंडल वगैरह हो गया। ये पूरा चर्च देखिए सजा हुआ है एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, जितने पेड़ पौधे हैं वो सब भी सजे हुए हैं। यहाँ का भी डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा है। और निकल गई हूँ बाहर, चर्च के बाहर। ये बाहर का सीन है, बाहर में बहुत ही चटपटे गुजरात पकौड़े आइसक्रीम मैं भी खा नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी ठंड है, जैसे भी खा पाऊँगी तो कुछ देखती हूँ चटपटा क्या मिल रहा है। कैसे एक मिनट क्या है ये चना चूर, बिहार का फेमस है ये चना चूर। ये चना से बनता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हम लोग अभी यही खाएंगे। और अभी कहाँ जा रहे हैं आज का खाना पैक करवाई हूँ रेस्टोरेंट से, और जा रही हूँ घर पे क्योंकि 10:30 बज चुका है अभी। तो घर पे खाना बनाऊँगी, थक भी गई हूँ बहुत, तो इसलिए रेस्टोरेंट से ही खाना पैक करवा ली हूँ आज। तो अभी लेके घर पे जा रही हूँ, घर पे बैठ के आराम से खाऊँगी। रेस्टोरेंट में खाने का मन नहीं करता है, घर पे खाने का मन करता है, घर पे आदमी आराम से बैठ के खाता है। इसलिए मैं पैक कर, ये लो, इसलिए
इसलिए मैं पैक करवा ली हूँ और जाऊँगी घर पे तो खाऊंगी आराम से। और विकास की तबीयत ख़राब है इसलिए ये गीला चावल ही खाएगा, इसके लिए खाना हम लोग पैक नहीं करवाए हैं। और फाइनली सारा कुछ हो गया, अब जा रही हूँ घर और घर पे जाके खाना वाना खा लूँगी। और एक मिनट, लाइट नहीं है लाइन, और अब निकल रही हूँ घर की तरफ। और मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज की वीडियो, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कुछ है नहीं वीडियो में, बस घर जाऊँगी, चेंज करूँगी, खाना खा के सो जाऊँगी, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करूँगी आज का। फिर मैं कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसा लगा। और मैं कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।